तो 100 के तो आप लोगों ने करा दिए, तो उसके लिए तो इतनी बार मैं शुक्रिया अदा आपका कर चुका हूँ। और आज एक बार फिर हम दोनों पंडित पठान की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका 100 बहुत बहुत धन्यवाद कराने के लिए। और इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। और आज का ये पीसी बिल्ड किसका है, इसका ट्रेलर देखा आपने, टीजर देखा, गेस द प्राइस देखा आपने, उस पर इतना अच्छा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सो व्हाट्स अप हेलो, कैसे हो आप सब? ईश्वर आपका, अंकित कुमार शर्मा द मास्टरमाइंड ऑफ केबल मैनेजमेंट, आपके पंडित जी, एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ मिस्टर पीसी वाले। आज का पीसी किसका है आप लोगों को पता है, मुझे इंट्रो देने की जरूरत नहीं है मालूम, लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये मैं आपको बताऊं, ये इंट्रो मैं ले रहा हूं इनका पीसी डिलीवर होने के 15 से 20 दिन के बाद। क्यों ले रहा हूं ये वीडियो में आप आगे देखोगे। तो किसका पीसी है, चलिए सबसे पहले उनको फोन लगाया जाए और आप लोगों की बात करा दी, आपकी बात कराई जाए लाइव। इनका नाम मैं ले नहीं सकता, बंदूकबाज का बिल्ड है, आपको बताइए। बंदूकबाज गेमिंग चैनल यूट्यूब पे है, आप जानते हो कि बहुत बड़े गेमर इंडिया के। सबसे पहले उनको फोन मिलाया जाए। हेलो हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर रितेश से हो रही है, द ओनर ऑफ यूट्यूब चैनल नेम्ड बंदूकबाज? हाँ, रितेश भाई क्या हाल चाल है आपके? अरे बढ़िया सर, बताइए कैसे हो? सब बढ़िया, आप लोग आपकी दुआएं, बस आपका इंट्रो शूट हो रहा था तो मैंने सोचा एक बार आपको इंट्रो में ले लें। तो रितेश भाई आपकी तो यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को एक बार हाय बोल देना यार। अरे जरूर, हेलो बोल देंगे सबको। हाँ यार, तो भाई ये पीसी है हमारे रितेश का, जिनका नेम है रितेश और इनका चैनल का रितेश नेम है बंदूकबाज। सबसे पहले रितेश ये बताओ तुम्हारे दोनों चैनल के नेम बताओ, पहला चैनल का क्या नेम है? मेरे एक्चुअल में काफी चैनल है, बंदूकबाज है, बाजीगर गेमिंग है, बाज नहीं, सबके सब्सक्राइबर बताओ, सबके सब्सक्राइबर। पहला चैनल कौन सा है? बंदूकबाज। बंदूकबाज कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसपे? उसपे लगभग 1.5 मिलियन होने वाले हैं। ओके, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर रितेश के हैं पहले चैनल पे बंदूकबाज। इसका चैनल का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा चैनल का क्या नेम है? बाजीगर गेमिंग। बाजीगर गेमिंग कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसपे? उसपे 1 मिलियन प्लस है, मतलब। ओ भाई साहब, दो चैनल, वो 1 मिलियन ऊपर, दो चैनल तुम्हारे 1 मिलियन प्लस में हैं। हाँ नहीं, एक और है, तीसरा, एक और तीसरा चैनल है। देखो पहला हो गया बंदूकबाज, दूसरा है बाजीगर गेमिंग, तीसरा चैनल कौन सा है? रितेश क्रिएशन। रितेश क्रिएशन उसपे कितने हैं? उसपे 1.1 मिलियन लगभग। ओ भाई साहब, 1 मिलियन के आसपास उसपे भी है, मिलियन से ऊपर। हाँ भाई, बहुत मेहनत की यार तुमने। तो यार रितेश ये बताओ तुम चाह क्या रहे हो आखिर, मतलब आए हम लोग कुछ काम करने दोगे यार यूट्यूब पे? नहीं अबे क्या बताएं, मतलब वो थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई कि चैनल्स बनाने पड़े। एक्चुअल में क्या है, रितेश क्रिएशन तो एडिटिंग के लिए था, पहले मैं मोबाइल से फोटो एडिटिंग सिखाता था तो उसका चैनल था। ओके, उसके बाद मैं बाजीगर गेमिंग जो बनाया वो बनाया था पबजी में टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया पबजी और एडिटिंग हो गया। हाँ फिर उसमें क्या होता है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं वो गेम ज्यादा देखना पसंद नहीं करते, उन्हें सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने, तो फिर गेम प्ले का चैनल बनाया अलग से बंदूकबाज। अच्छा अच्छा, और फिर अभी क्या है कि जब पबजी खेल रहे हैं तो लोग पबजी ही देखना पसंद कर रहे हैं, तो पीसी गेम्स खेल रहे हैं, तो उसके लिए नया चैनल बनाया जिसका नाम है बाज गेमिंग। अच्छा, बाज गेमिंग एक चौथा चैनल है? हाँ, जिसपे की आई थिंक है। क्लैप फॉर यू ब्रदर, क्लैप फॉर योर एफर्ट, क्लैप फॉर योर हार्ड वर्क। उसपे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? हाँ मैं उसको बता रहा हूँ, एक सेकंड में कुछ चेक करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, खुद नहीं याद इसको कितने सब्सक्राइबर्स हैं। इस पे है मेरे 3,17,000। 3,17,000, मतलब तीन चैनल तुम्हारे 1 मिलियन प्लस पे हैं और एक चैनल, एक है ये सीरीज में है, 1 मिलियन की सीरीज में है। हाँ मतलब पहुंच जाएगा अगले 6 महीनों में। अच्छा, तो सबसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो मेरी तो इतनी वो नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर सकूं, ना मुझे करना है, ना इसको प्रमोशन की जरूरत है किसी की, लेकिन इसके तीनों चारों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाइएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छा बंदा है। और इंस्टा हैंडल बताओ अपना तुम। बंदूकबाज रितेश। बंदूकबाज कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे वहां पर?
उसपे आई थिंक 324 के आसपास। ओ 324 के 3 लाख के आसपास भाई के फॉलोअर्स हैं इंस्टा हैंडल पे, यू कैन गो एंड फॉलो हिम। और रितेश ये बताओ, ये मैंने चैनल पे पहली बार मेरे ऐसा हुआ है कि हमने इंट्रो बाद में लिया, मतलब पीसी डिलीवर होने के बाद। तो ये बताओ तुम्हारा पीसी का एक्सपीरियंस रितेश कैसा रहा? पीसी का एक्सपीरियंस ये मान लो जैसे पहले चलाए हमने चाइना के फोन एंड्रॉइड, उसके बाद में चलाया कोई अच्छा सा महंगा सा फोन, एकदम मक्खन चल रहा है अभी तो। पीसी मक्खन चल रहा है मस्त एकदम बढ़िया है। मैंने पीसी गेम्स खेलने स्टार्ट किए ना, तो काफ़ी माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, तो उसमें सीरियर्स वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं एकदम। GTA भी खेल रहा हूँ रिसेंटली, तो काफ़ी सारे गेम्स, और अभी धीरे धीरे काफ़ी पीसी गेम्स ही खेलने वाला हूँ, जिससे मैंने नया चैनल बनाया। हेलो, पता नहीं कॉल कट गया। अच्छा अच्छा, हम ये बता रहे हैं, बताओ भाई लुक कैसा लगा तुम्हें सिस्टम अपना? मैं देखने में तो मतलब कौन खराब बता सकता, कतई कतई जहर है नहीं है। ऊपर से उसमें म्यूजिक सिंकिंग भी हो जाती है। हाँ, म्यूजिक सिंक कर सकते हैं। वो सारे एक साथ फैन वगैरह सिंक किए ना उसमें, A to Z अंकित ने सिंक किया, वो सबसे बेस्ट चीज है मतलब। और उसके अलावा मैंने तो, मेरे पास कुछ फिलिप्स की भी लाइट है ना अपने कमरे की, वो भी सिंक करी, तो पूरा सिस्टम और सारे रूम की लाइट सिंक कर सकते। ओ भाई साहब, तो यार कभी मौका मिलेगा तुम्हारे स्टूडियो में आने का? अभी एक्चुअल में क्या है ना कि थोड़ा सा कुछ तैयार हो रहा है मेरा रूम वगैरह सब, तो टाइम लग जाएगा 5-6 महीने, उसके बाद फिर गजब का देखने को मिलेगा। अरे चलो तुम गजब तो यार, एक टूर डाला जाए फिर। एक टूर पड़ेगा तुम्हारा जब तुम्हारा सब कंप्लीट होके बिल्ड होके बन जाएगा। तो ये बता देते हैं एक्सपीरियंस तुम्हारा ठीक ठाक रहना है हम लोगों के साथ, मतलब कोई कमी तो नहीं रहेगी किसी चीज़ में? नहीं कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है एकदम। समझा, बस यही बात हमें एक बस अपने ऑडियंस को यार बतानी थी ना। कई लोग समझते हैं रितेश के जैसे हम पीसी बनाते हैं किसी गलत का नाम यूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए हमें तुमको इंट्रो में एड ऑन करना था ताकि हम लोगों को बता सके कि देखो भैया ये ओरिजिनल हैं, ये कोई कॉपीराइट वाले रितेश नहीं है। और रितेश अगर तुम कोई इन लोगों से वो करोगे मतलब राय दोगे कि जैसे हमसे पीसी बनाने की, तो तुम्हारी तरफ से क्या राय होगी इन लोगों के लिए बताओ? मेरे लिए तो यही राय होगी कि मैंने मतलब जब पीसी बनवाया तो काफ़ी सारे जैसे कंपोनेंट्स मिल नहीं रहे थे, तो वो भी आप लोग लेके आए, एंड प्राइस का भी कंपेरिजन किया तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत इधर से मतलब कम मिला, मतलब समझ रहे हो, मैंने देखा ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा तो आपके पास से, तो हाँ अगर पीसी बनवाओ तो मतलब बेस्ट है फिर तो। बाकी फिर हाँ लोगों का है भैया वो कैसा पीसी बनवाना चाहते हैं, सबकी अपनी पसंद है। बस यार रितेश तुम्हारा यही चाहिए था, और बहुत बहुत शुक्रिया रितेश यार हमारे सीरीज़ में हमारे मिस्टर पीसी वाला का एक पार्ट बनने के लिए, एंड हमारा जो रिलेशन ये जनरेट हुआ है हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही रहे। और स्पेशली यहाँ पर थैंक्स हम बोलना चाहेंगे मयूर को भैया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पूरा क्रेडिट जाता है मेरी रितेश की रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए मयूर को। अगर मयूर ये वीडियो देख रहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों रितेश शुक्रिया बोलना चाहिए, नहीं बोले चाहिए उसका? हाँ मयूर नहीं बनवाया मेरे को, मैंने भी जब मयूर से बोला तो उसने आपसे ही मिलवाया था। हाँ रितेश क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, पता है जब किसी का भी पीसी वो बताता है तो वो समझो वो उसका खुद का पीसी है, वो इस तरह जो है उसने मेहनत करके एक एक कंपोनेंट का चूज करता है वो। हाँ वो तो है, मतलब मैंने मयूर को जब बताया कि ये चाहिए तो वो मेरे को 4-5 चीजें ला के दिखा देता है कि ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है, तो मतलब आदमी झिक जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन निकल जाती है उसके दिमाग से। हाँ जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं कर लेगा, जब तक ऐसे जो गुरुजी का था उसमें साइबर का था उसमें, वो बिल्कुल लग जाता है कि हाँ वो चीज उसकी है। सो मयूर बहुत बड़े शुक्रिया, मैं फिर से तेरा बोलना चाहूंगा, बहुत छोटे हो तुम, छोटे भाई जरा मेरे। चलो रितेश तुम्हारा पीसी सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलाओ, बहुत जल्दी तुम्हारा जो भी पेंडिंग वर्क चल रहा है घर का वो हो जाए, फिर विजिट करते हैं तुम्हारे स्टूडियो में। यस यस सर सर जरूर, और आएंगे लाइव बताएंगे सबको, लाइव दिखाएंगे, मतलब तुम्हारा सिस्टम एकदम, तुमने उसको थीम बना। मैंने भी दिखाया नहीं है, मैंने कहीं भी नहीं दिखाया ना अपना इंस्टाग्राम पे, कहीं भी नहीं दिखाया भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहला ही लुक थोड़ा सा धांसू हो, फर्स्ट इंप्रेशन ही उसका ऐसा पड़े कि लोग देखते रह जाएं। अरे अगर 5-6 महीने है तुम्हारे पास तो 5-6 महीने बाद तो उसमें हम लिक्विड कूलिंग लगा देंगे यार, वाटर कूलिंग लगा देंगे आके वहीं पर, क्यों अंकित? और क्या, हाँ श्योर, कोई नहीं, जब लगाना, जब वो उसका रिलीज करना तो बताना, उससे पहले आके हम अंकित आएंगे खुद तुम्हारे वहाँ और उसको उसमें तो कहो वाटर कूलिंग इंस्टॉल कर देंगे। टाइम ऐसा चल रहा था कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो बिल्ड भी कर देते इस टाइम पे भी, 8 पाइप बिल्ड करके दे देते। हाँ मेरे को बताया थोड़ा कोविड का था ना तो इसीलिए आ नहीं पाए। ठीक है रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे इस इंट्रो में आने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। सिस्टम अपना चलाओ बढ़िया, कोई इशू हो फॉर एनी हाउ एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके भैया, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। मुझे पता है इंट्रो लंबा हो गया लेकिन मजा आया इंट्रो में, नहीं आया खाली इतना बता दो यार भाई।
तीन तीन चैनल बंदे के हैं, वन वन मिलियन के, चार चैनल, तीन चैनल वन मिलियन के, एक चौथा चैनल जो है क्या, अब बताओ आप क्या बोलूं मैं। एक हमारे लिए तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं होगी कि ऐसे बंदे का हमने पीसी बिल्ड किया। और पीसी बिल्ड बिल्ड तो बात की बात होती है, पता है आपको, रिलेशन जो जनरेट होता है ना हम लोगों के बीच में, जो रिलेशन जनरेट हुआ है वो इतना अच्छा रिलेशन जनरेट हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और पता है आपको, यहां पर कुछ रिलेशन ऐसे हमारे बन जाते हैं हमारी पीसी वाली फैमिली से कि उसमें प्राइस मैटर नहीं करता यार। प्राइस हम क्या दे रहे हैं, आप क्या ले रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता, कंपोनेंट कुछ मैटर नहीं करते हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं ना, आपको बताएं, ये क्या बता देते हैं कि शादाब भाई, अंकित भैया मुझको ये चाहिए है, इतने अप्रॉक्स बजट है, जो आपको दिल करे, जो आपको अच्छा लगे लगा दो, ये होता है। बताया हमारे आपके बीच प्राइस का मैटर नहीं है यार, कभी प्राइस को बीच में मत लाना। ये पहली वीडियो ऐसी है जिसमें हम लोगों ने पीसी बिल्ड कर दिया, भेज दिया, अब वो यूज़ भी यूज़ कर रहा है, इंट्रो बाद में शूट कर रहा है। हमने कहा पहले तुम यूज़ कर लो, इंट्रो में बता देना तुम्हें जो दिल से लगे, जो दिल से सही है, गलत है, कैसा लगा, हम चेंजेस भी कर देंगे अगर कोई तुम्हें नए ना भी सही लगे तो। सिर्फ इसलिए ये किया ताकि आप लोगों को ये ना लगे, एक बार ये टेस्ट कर ले, सेटिस्फाइड हो जाए खुद कि हां ये पीसी सही बना है कि नहीं बना है। और आप ये मत सोचना यार कि हमने इसको फ्री में दिया है या कुछ हैवी डिस्काउंट किए, जो नॉर्मल रेट चलते हैं उसी रेट में दिया है। और ना ही हमने इससे ये बोला है रितेश से कि रितेश भाई तो हम लोग की तारीफ करें। और ये भी एक टाइप का एक्सपेरिमेंट ही था, एक्सपेरिमेंट था कि हम ऑन द पहले दे के देखते हैं, ठीक है तुम चेक कर लो यार, जो भी रिस्पॉन्स हो हमें बता देना, लाइव बता देना, लाइव बता देना हमको, ठीक है। तो यार ये चीज थी। अब आप इसका पूरा बिल्ड देखिए, पूरी वीडियो देखिए और एंजॉय किए। प्ले चैनल पे आए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना यार, इंस्टाग्राम पे 100K करवाने के लिए बहुत बहुत लॉट्स ऑफ थैंक। और दूसरी चीज, आपने वो वीडियो देखी ली होगी ना कि जो हमने आपको बताया था कि हमने 100K की वीडियो, 100K का सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया, आपने वो वीडियो देख ली है और उस पर जो आपने रिस्पॉन्स दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड आप समझी होगी कि हम लोगों ने जो रीजन दिया था कोई गलत रीजन नहीं दिया, किसी वजह से रीजन दिया था, ठीक भाई। तो चलिए आप लोग इस बिल्ड को एंजॉय कीजिए आगे, बिल्ड बहुत लंबा मुझे पता है, एक थोड़ी सी शॉर्ट क्लिप हो गई, शॉर्ट स्टोरी हो गई, एंजॉय कीजिए आप लोग, ठीक है, आइए एंजॉय कीजिए, आगे बात करते हैं आपसे। तो भाई लोग सबसे पहले हम आपको देखिए बताते हैं इसमें कि इसमें हम लोग कैबिनेट कौन सी यूज कर रहे हैं। इसमें कैबिनेट यूज हो रही है लियानली की तरफ से आने वाली लियानली O11 डायनामिक XL व्हाइट एडिशन, ठीक है। ये कैबिनेट अंकित भाई इसमें यूज कर रहे हैं। अंकित भाई जरा आप उठिए और इस कैबिनेट को अनबॉक्स कीजिए। अंकित भाई पीछे छुपे हुए थे, इसके वेट कर रहे थे क्या कब हम बोलें और कब अंकित भाई। तो यह सबसे पहले मैं आपको इस कैबिनेट का पूरा ओवरऑल लुक दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कैबिनेट होगी हमारी अनबॉक्स, ठीक। अंकित भाई जरा इसको खोल डालिए। तो भाई लोग ये देखिए कैबिनेट को हम लोग ने कर दिया है अनबॉक्स, ठीक। अब उसके बाद भाई साहब खाली लुक देखिए आप इस कैबिनेट का कि क्या ला जवाब लग रही है कैबिनेट, क्या जबरदस्त कैबिनेट लग रही है, मतलब फुल ग्लास पे बनी हुई है। और देखो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ स्विच, रीसेट बटन, दो ये 3.0 के पोर्ट, हेडफोन जैक, माइक जैक, टाइप सी, थंडरबोल्ट का भी पोर्ट दे रखा है, प्लस MC का बटन, पता नहीं कौन सा है, और दो पोर्ट नीचे दे रखे हैं। ये सिल्वर कलर है यहाँ पर, और ये इधर भी ग्लास, इधर ग्लास, ऊपर 360mm का लगा लो, साइड में 360mm रेडिएटर लगा लो, नीचे तीन फैन लगा लो, R2G सर्टिफाइड की बैज है, और पीछे एक फ़ैन लगेगा, और साइड से कैसी है देखो। अभी जब ये खुलेगी ना अंकित, इसको खोलेगा तो मैं आपको इसका एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि खुलते हुए कैसे आपको, मतलब क्या क्या चीज़ इसकी कैसे खुलती है। देखो यहाँ पे ये दिया है आपको वेंटिलेशन के लिए, ये आपको पावर सप्लाई के वेंटिलेशन के लिए दिया है, ठीक है। और प्राइस की बात करें तो लगभग 17,000 से 18,000 के बजट की कैबिनेट आती है, जो कि है लियानली O11 डायनेमिक XL वाइट ROG एडिशन, ठीक है। अब आप इसको देखते जाइए।
सो भाई लोग ये देखिए, अंकित भाई ने इस कैबिनेट को पूरा अनबॉक्स कर दिया है, पूरा डिसम्बल कर दिया है। डिसम्बल में देखिए यहाँ पे जो ग्लास लगा था उसको हटा दिया, ऊपर के शटर को हटा दिया, पीछे के शटर को हटा दिया, बेस के हटा दिया, बेस भी अच्छा हाँ लगा था, ये भी हटा दिया। लगाने के लिए जितने भी लगे दिए हुए थे हार्ड ड्राइव के ऑप्शन दिए हुए थे, अच्छा, और एसएसडी लगाने के जो ऑप्शन थे वो पीछे बैक साइड में लगते हैं, एक एक करके सारे निकाल दिए ताकि फैन आराम से शॉर्ट हो जाए। ओके ठीक है, बाकी ये सारे डिसम्बल करके जो ये पार्ट्स आते हैं इनके, ये देखिए भाई साहब देखो कितनी भयंकर तरीके से डिसम्बल होती है कैबिनेट, ये देख लो खाली आप, देखो कितने पार्ट्स में डिसम्बल हुई है। मैक्सिमम हार्ड ड्राइव लगाने के ऑप्शन है, कितने हार्ड ड्राइव लग जाएंगे? हार्ड ड्राइव बैक साइड में 4 हार्ड ड्राइव लग जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी आपकी प्री इंस्टॉल केस आता है जिसमें साटा पावर दोनों रहती है, और इसमें लगाना हार्ड ड्राइव लगाना बहुत ही सिंपल रहता है। अगर सिंपल सा ये है कि केस में हार्ड ड्राइव लगानी है, हार्ड ड्राइव लगानी है बैक साइड पे, और ये वाला पेच बैक साइड पे दिया हुआ है जो लॉक करता है हार्ड ड्राइव स्लाइडिंग को, इसको पैक करके बस उसको हार्ड ड्राइव लगा के ये स्लाइड कर देना है। ठीक है, ये देखिए हार्ड डिस्क लगाने का ये आपका प्रोसेस है, इस तरह से इसमें लगती है। वैसे हम लोग आपके जो साटा पावर साटा दिखा दो डेटा होता है हार्ड ड्राइव का, वो बेस में रहता है, और इंटरनल अगर आप दिखा पाओ तो, अगर लाइट जला के दिखा पाओ, लाइट आना जरा सुबह, ऑलरेडी इंटरनल सॉकेट दिए हुए हैं डेटा और पावर दोनों का हार्ड ड्राइव का, तो हार्ड ड्राइव सिंपली इस पे बॉटम में यूँ लगेगी और उसको मैच करता हुआ ऐसे करके स्लाइड हो जाएगी और सामने सामने वो अटैच हो जाएगी, बस हो गई। बस सिंपल सा ये होता है, पूरी मशीन खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब पावर देने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी केबल मैनेजमेंट डिस्टर्ब करने की जरूरत है। जब भी कोई हार्ड ड्राइव लगानी है मशीन ऑफ करके सेट डाउन करके पावर निकाल के सिंपल सा पीछे से बैक की एक ट्रे निकालनी होती है जो की इस हिसाब से ऐसे दी होती है, ये ऐसे दी होती है, इसको ओपन करके निकाल लो, खींच लो, यहाँ पे एक जैसे ये पेच दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू यहाँ पे एक लॉक रहता है, उस लॉक को स्लाइड करके तब ये निकाल लिया। ओके और पीछे का दिखाओ जरा एक बार, ये पीछे का भी सब खोल खाल दिया है, ये सब इनकी हार्ड ड्राइव 4 लगाने का ऑप्शन है, ये एसएमपीएस, ये जगह ये कौन सी एसएमपीएस की जगह है ना, ये एसएमपीएस की जगह हुआ है, जगह दी हुई है, ये कंट्रोलर दिया हुआ है कैबिनेट पे, जहाँ जहाँ आपका यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है वहाँ पे साइड रिंग लाइट दी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि सिंक भी हो जाता है, और थंडरबोल्ट 3 पोर्ट भी है ना, थंडरबोल्ट 3 पोर्ट भी ऑप्शन दिया हुआ है, टाइप सी का ऑप्शन ये दिया हुआ है, 3.0 यूएसबी में 4 पोर्ट दिए हुए हैं, 2 बेस पे दिया हुआ है और ऊपर फ्रंट पे दिया हुआ है। चलो भैया इस कैबिनेट को हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, फैन लगने के ऑप्शन है, वर्टिकल कार्ड भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस इसमें है, बिल्कुल। तो भैया ये रहा फैन सब कुछ, ऑलरेडी अगर 360 का रेडिएटर लगा दिया जाए, जैसे हम लोग खुद लगाएंगे, 3 फैन यहाँ पर, 3 फैन बेस पे, तो आपको चलिए ठीक है। अब हम लोग इसके बाद और कंपोनेंट दिखाते हैं आपको कि इसमें और कंपोनेंट कौन सा हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। सो भाई उसके बाद देखिए जो हम लोग इसमें SMPS यूज कर रहे हैं वो आती है हमारी कूलर मास्टर की तरफ से, कूलर मास्टर MWE गोल्ड 850 वॉट V2 फुल मोड मॉड्यूलर पावर सप्लाई, जो आती है 5 साल की वारंटी साथ और 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। तो भैया ये फुल सील्ड पैक पावर सप्लाई है, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इस पावर सप्लाई को अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो भाई देखो जैसे आप इसको पार्टिकुलर अपनी पावर सप्लाई को अनबॉक्स करोगे आपको ये सामान मिलता है, ये रहा इसका पावर केबल, उसके बाद ये रहा इसके सारे वायर्स, फुली मॉड्यूलर है तो सारे वायर्स अलग अलग दिए हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें वायर लगा सकते हैं। और बाकी बिल्ड क्वालिटी पावर सप्लाई कैसी है अंकित भाई आपको एक बार जरूर दिखाएंगे, अंकित भाई दिखाइए एक बार। सो भाई लोग ये देखिए पावर सप्लाई हमारी दिखने में कुछ इस तरह है, मतलब कोई खास चीज नहीं है ऐसे जो मैं आपको दिखाऊं, ये देख लीजिए फुल मॉड्यूलर है। अब हमने इस पावर सप्लाई को क्यों यूज किया, क्यों भैया है भाई कूलर मास्टर है तो खास नहीं, हम वही बता दें कि इस पावर सप्लाई को यूज क्यों किया, इसलिए भैया यूज किया क्योंकि ये कूलर मास्टर है, कूलर मास्टर का लोहा माना जाना लोहा है, तो अ बिग शॉट आउट टू कूलर मास्टर। ठीक है भाई, ये पावर सप्लाई इसमें यूज होती है, 850 वॉट क्यों यूज की भैया, 3080 जीपीयू लग रहा है तो 850 वॉट पावर सप्लाई यूज करना पड़ेगी, और प्राइस की बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास ये पावर सप्लाई आपको मिलती है, लोहा ही जाना माना है केवल, अरे सब कुछ जाना माना भैया इनका तो। ठीक है भाई, इस पावर सप्लाई को हम लोग इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं।
तो भाई लोग देखिए SMPS हमारी इसमें लग चुकी है, ये देखिए इसमें लग चुकी है SMPS। अब इसमें लगने जा रहे हैं हमारे कूलर मास्टर के हेलो फैन, जो कि हमने यूज किए थे अंतर्यामी के बिल्ड में। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख लीजिएगा। सेम वही फैन हम लोग इसमें रितेश के बिल्ड में यूज कर रहे हैं। बंदूक बाज गेमिंग चैनल का नेम है रितेश का, आप सभी लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि कोई गेमिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा तो रितेश नहीं जानता होगा, लेकिन है बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छा चैनल है उसका, विजिट जरूर कीजिएगा जाके। एंड ये मत कहना कि हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको मेरे प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने में सक्षम है, अकेले अपने बल पे अपने उसने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है जो कि बहुत अच्छी है, उसको मेरे प्रमोशन की जरूरत नहीं है भाई साहब। ठीक, तो ये फैन यूज हो रहे हैं 3, 3, 6, 3, 9 फैन है, लेकिन इसमें यूज होंगे सिर्फ 7। 7 कहाँ कहाँ यूज होंगे? 3 देखिए इसमें लगेंगे आपको नीचे, 3 लगेंगे साइड में और 1 लगेगा फैन पीछे। ठीक है, तो ये फैन यूज हो रहे हैं। कृपया आप फैन को अनबॉक्स करके दिखाइए आप। तो भाई लोग ये देखिए हमने फैन को अनबॉक्स कर लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फैन टोटल यूज हो रहे हैं इसमें, ये देख लीजिए। और एक फैन कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है फैन की, सब आपके सामने है। देखिए इसमें पूरे में RGB है, ये स्ट्रिप गई इसमें RGB है, ये स्ट्रिप में RGB, इसमें RGB और ये RGB, मतलब फुल ऑन RGB वाला बिल्ड है ये। ठीक है, देखिए आप कितने फैन रखे हुए हैं, सब रखे हैं, सातों फैन आपके सामने, और एक फैन की कॉस्टिंग आती है लगभग आप मान के चलो 1300 के आसपास। ठीक है, तो इन फैनों को हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं जो कि आते हैं कूलर मास्टर। डब्बा दिखाओ एक बार, ये देखिए डिब्बा है हमारा कूलर मास्टर हेलो फैन RGB 120mm के हेलो फैन 3-in-1 व्हाइट एडिशन। ठीक है, इसको हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो भाई लोग आपने अभी तक देख ही लिया होगा सारे टाइम लैप्स में कि इसमें देखिए सारे फैन लग चुके हैं। अब देखिए ये हमारे लगे हैं आउटटेक के फैन, ये 3 आउटटेक के फैन हैं, ये तीनों इनटेक हैं, ये इनटेक है, और टॉप लगने जा रहा है इसके 360mm का AIO। ठीक है, तो वो ये सारा काम हो गया हमारा अभी तक का कंप्लीट। अब हम इसमें बनाए जा रहे हैं बंडल। अब आप देखते जाइए कि इसमें हम लोग कौन सा मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर, कौन सी NVMe, कौन सी RAM और कौन सा GPU। ठीक है, आप देखते जाइए। सो भाई लोग देखिए जो इसमें मदरबोर्ड हमारा यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ASUS की तरफ से आने वाला ASUS ROG Strix X570F Gaming, जो कि एक फुल ATX मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड को उन्होंने क्यों यूज किया, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब आपको बताएंगे आपके प्यारे भैया अंकित भाई। तो भैया ये देखो फुल सील पैक, इसमें तो सील दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है अंकित, इस वीडियो में हम लोग सील नहीं दिखाएंगे कोई भी। तो भाई देखिए अगर आप X570 मदरबोर्ड को परचेस करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या मिलता है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, इस मदरबोर्ड को तो बाद में दिखाऊंगा। देखो सबसे अंदर आपको इसमें मिलते हैं SATA केबल मिल गई, एक ये वायर मिल गया, कुछ थ्रेड्स वगैरह मिल गए इसमें साथ में, और ये प्रेम ग्रंथ मिल गया, और ये ROG के स्टिकर का पैकेट मिल गया, एंड समथिंग
सीडी डीवीडी टाइप, ठीक। तो ये सामान मिलता है साथ में। सो भाई लोग ये देखिए मदरबोर्ड है जो कि इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए आसुस का है X570F गेमिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको चार रैम स्लॉट मिलते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 चार रैम स्लॉट मिल गए। और तीन देखिए आपको इसमें मिलते हैं ATI के स्लॉट, 1 2 एंड 3 तीन ATI के स्लॉट हैं। उसके अलावा 2 NVMe के स्लॉट हैं, एक यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर। यहाँ पर देखिए स्ट्रिक्स की बैजिंग है, और यहाँ पर देखिए आप द लिखा है द चॉइस ऑफ चैंपियन। बिल्ड क्वालिटी कैसी है मदरबोर्ड की आपके सामने है, देखिए बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आता है। आसुस है, कोई मतलब नहीं। और अंकित भाई आपको बता ही देंगे डिटेल में कि ये सब क्या भैया कितने कितने दिए गए, कितने कितने क्वांटिटी में दिए गए, अभी अंकित भाई आपको आगे बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो लोगो है, इस लोगो में आपके RGB लाइट है। उसके अलावा IO पोर्ट्स की बात करें तो ये देखिए IO पोर्ट्स हैं उसके, देख लीजिए आप। आपको इसमें मिलेंगे 4 USB 3.0 के पोर्ट, 2 USB 3.1 के पोर्ट, और टाइप सी का भी पोर्ट इसमें मिलता है। ईथरनेट पोर्ट है, बायोस फ्लैश का बटन है, HDMI 2.0 भी दे रखी है भाई साहब, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब आप कुछ भी कह लो, ये बोर्ड आपको एक नंबर जस्टिफाई करेगा, एक नंबर मस्त बोर्ड है। इसका एक बड़ा भाई आता है ई गेमिंग, जिसमें आपको मिलता है क्या बोलते हैं वाईफाई। तो उसमें उसको उल्टेज को चाहिए नहीं था, तो हमने उसमें वाईफाई वाला नहीं यूज़ किया, नॉर्मल वाला यूज़ किया, ठीक है। और प्राइस की बात करें तो लगभग ये बोर्ड आता है आपको मिलता मान के चलो 25,000 से लेके 27,000 के बीच में। तो भाई उसके बाद देखिए जो उसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है AMD की तरफ से वाला AMD Ryzen 950 900X। ये एक 12 कोर 24 सेट का प्रोसेसर है, और भैया प्रोसेसर तो मस्त है, 3.7 GHz बेस है और 4.8 करके जाता है। बूस्ट प्राइस की बात करें तो कुछ नहीं पता आजकल कितने का प्रोसेसर ही मिल रहा है, आप लोग ऑफलाइन मार्केट ऑनलाइन मार्केट में देख लेना, पता कर लेना, ठीक है। देखो प्रोसेसर है। सो भाई उसके बाद देखिए जो हम लोग इसमें NVMe यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं WD की तरफ से आने वाली WD Blue SN550 1TB का NVMe है। ये 5 इयर्स की वारंटी के साथ आती है, अप टू 2400 mbps का रीड एंड राइट स्पीड है। मैंने उससे, अब आप लोग ये मत बोलना कि भैया ये, अब मैं आपको बता रहा हूँ इस बिल्ड में जो हमारे कंपोनेंट को चूज किया गया है वो हमारे मयूर भाई की तरफ से चूज किए गए हैं मोस्टली कंपोनेंट, ठीक है। तो इन सारे कंपोनेंट की वजह मयूर है, हम लोगों ने चूज नहीं किया। मैं मयूर से बोल रहा था इसमें लगा लो जेन 4 की NVMe, लेकिन नहीं माना उसने, कहा नहीं चाहता भाई मुझको यही चाहिए। तो ठीक है भाई, ये NVMe देख ली है 1TB की SN550 इसमें यूज हो रही है। ये देखिए भाई लोग NVMe है हमारी 1TB की SN550 WD Blue, लगभग 10,000 के आसपास, 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में ये NVMe आती है 1TB की, जो कि इसमें यूज हो रही है। तो भाई उसके बाद देखिए जो उसमें रैम यूज हो रही है, वो आप लोग पक्का बोलोगे भैया इससे बड़ा स्कैम तो आज की दुनिया में कोई भी IT प्रोफेशनल एक PC बिल्डर कर ही सकता है। भैया इसमें 8 GB की D60 चार रैम यूज हुई है, 8 GB की चार स्टिक है, 16 GB की अंकित 8 की चार स्टिक है, लेकिन ये 3000 MHz में है। लेकिन भैया मैंने बोला भाई से कि इतनी वो मत लो, थोड़ी महंगी ले, वो ले लो 3200-3600। तो भाई ने बोला नहीं मैं इसको ओवरक्लॉक कर लूंगा, मुझे इतनी नीड नहीं है, ठीक है भाई। तो ये रैम यूज हो रही है, एक रैम को मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं। सो भाई लोग ये देखिए रैम हमारी इन्होंने अनबॉक्स कर ली है, 1 2 3 4 चार रैम इसमें यूज हो रही है। और रैम की कॉस्टिंग कितनी है लगभग भाई साहब कुछ नहीं पता कितनी है यार, बड़ी महंगी रैम आ रही है 4500-5000 ऐसे इन सब रैमों के रेट चल रहे हैं। क्या बताऊं मैं आपको कि क्या रेट है आजकल के टाइम पे, जानते हो क्या हवा हवाई मसला चल रहा है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर रैम को हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज कर रहे हैं। तो रितेश तुम्हारा मदरबोर्ड का बंडल तैयार हो गया है, जिसमें प्रोसेसर 5900X लग चुका है, सारी रैमें लग चुकी हैं, 8 GB की चार रैम और 1TB WD NVMe लग चुकी है। चलिए इसको अब लगा देते हैं कैबिनेट में।
जैसे ही ये बॉक्स ओपन होगा तो इसमें दिखेगा क्या, एक रेडिएटर हेडर अपना और उसके तीन फैन जो कि 360 mm के फैन ये कहलाते हैं, क्योंकि 120 120 120, तो कैलकुलेशन हो गया 360 mm का फैन हो गया ये टोटल। और ये इसकी एसेसरीज है, चलिए एसेसरीज दिखाते हैं एसेसरीज में क्या क्या निकलता है। एसेसरीज में बेस आएगा आपके इंटेल को भी यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ AMD की भी एसेसरीज दी हुई है, जिसको हम अब जो कि हमारा ये AMD में बिल्ट है तो हम इसको AMD का ही एसेसरीज यूज करेंगे। सो भाई लोग देखिए सारा काम हमारा हो चुका है। अंकित भाई ने देखिए इसमें क्या क्या लगा दिया है सब आपके सामने, देखिए 1 2 3 फैन ये लगा दिए हैं, 3 फैन ये लगा दिए हैं, ऊपर आपका AIO लग गया, रैम लग गई, सब कुछ मतलब ऑल सेट हो गया, पीछे एक फैन लग गया। अब इसमें हमारा लगने जा रहा है ग्राफिक कार्ड, जो कि ये देखिए है Zotac, Zotac M होलो ब्लैक RTX 3080 10GB DDR6 बेस्ड का ग्राफिक कार्ड। और इस ग्राफिक कार्ड का प्राइस आजकल जो चल रहा है वो मैं आपको लफ्जों से, जुबान से, होठों से अपने बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या प्राइस होता है। ग्राफिक कार्ड ऐसा है, इसे 5 ईयर वारंटी होती है, अगर आप मेल डाल के रजिस्टर कर दो साइट पे जाके तो वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। वैसे वारंटी 2 साल रहती है, हाँ, लेकिन विद इन परचेजिंग के बाद, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, चेक डिटेल एट Zotac.com, ठीक है भाई। तो ये देखिए ग्राफिक कार्ड है हमारा, दिखने में कुछ इस तरह RGB वेरिएंट है, RGB ग्राफिक कार्ड है, बहुत मस्त। अभी आपको मैं खोल खाल के इसको दिखाता हूँ। और लगभग आज की डेट में जो प्राइस चल रहे हैं भैया 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख, मतलब कुछ भी चल रहा है प्राइस आज के डेट में इसका। देखो सबसे पहले डब्बे के अंदर क्या क्या निकलता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो ये मिलती है एक बुकलेट, जिसके अंदर वही स्टिकर रखे होते हैं इनके, और कुछ नहीं होता कुछ खास। इनके देख मेरे को देखिए इसके अंदर वाला स्टिकर है, नहीं खोलो जरा इसे। ये देखो बस वही वाइट स्टिकर है Zotac गेमिंग का, ठीक है बस बस रख दो। अरे वाह काफी अच्छा लगा कार्ड के साथ, काफी भैया वेटेड कार्ड है, मतलब ये RGB दे रखी है यहाँ पर और ये इसमें RGB दे रखी है, और ये देखिए भाई साहब एक नंबर कार्ड है कितना। फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट इम्प्रेशन में कार्ड को देख के मजा आ गया, मतलब जबरदस्त कार्ड है यार। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैं बताऊं या हीट सिंक के अकॉर्डिंग बताऊं, मैं किसी भी तरह से अगर मैं बोलूं तो इस कार्ड को मैं फुल टू फंटा बोलूंगा यार, जबरदस्त। हीट सिंक भी काफ़ी अच्छी दे रखी है, और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ RGB कहाँ पर दे रखी है आपको, इसमें ईशे देखिए जो ये गई है ना, ये देखिए यहाँ पर दे रखी है इसकी RGB, और ये RGB यहाँ पर है बैक प्लेट पे भी, यहाँ पे भी RGB है। तो अगर आप इसको वर्टिकल माउंट नहीं भी करते हैं तो भी कार्ड बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त शानदार पन्नी आप लगी हुई है ये पन्नी। ये देखिए लिखा हुआ है Zotac गेमिंग,
यहाँ पर जो ये स्ट्रिप गई है ना, ये RGB स्ट्रिप है। देखिए कार्ड को आप लोग, आज के टाइम पे भैया ये सोने से कम नहीं है। ये देखिए इसके पोर्ट्स, और पोर्ट में निकालूंगी जरा इसको, कौन कौन से IO पोर्ट रखे हैं। देखिए 3 डिस्प्ले हैं और एक HDMI पोर्ट है, ठीक है। और बैक से देखिए इस तरह का है कुछ, ये मस्त दी गई है ब्लैक बैक प्लेट एक नंबर। ये देखिए इस तरह, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैन भी काफ़ी मस्त है। चलिए भाई जरा इसको लगाइए कार्ड को। सो भाई लोग कैसा लग रहा है ये सिस्टम, आप लोग ये बताओ, खाली एक नज़र में खाली ये बताओगे कैसा लग रहा है सिस्टम। ये मस्त लग रहा है या नहीं लग रहा है, खाली इतना बताओ आप लोग। इसलिए मैं देखो लाइट्स वगैरह सब ऑफ करके आपको दिखा दी। देखो बन गया फुल, सारे फैन ऑन हो गए, सारी विंडो पड़ गई। ये मॉनिटर इसके बारे में डिस्कस कर रहे, अभी बता रहे हम लोग आपको, रुको। ठीक है भाई लोग, देखिए मैंने लाइट ऑन करके भी दिखा दिया, देखिए सिस्टम ऑन हो गया। सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको केबल मैनेजमेंट। ये देखिए केबल मैनेजमेंट, इतने तार थे इसमें, इतने तार थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने तार थे, बट इवन देन उसके बाद कैसा हुआ है देखिए सब आपके सामने है, ठीक है। और सिस्टम ओवरऑल लग कैसा रहा है वो भी आपके देखिए सामने है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हमारा कौन सा मॉनिटर यूज़ हो रहा है। इसका डब्बा लेके आओ जरा, देखिए ये मॉनिटर रखा है आपके सामने। इस मॉनिटर का अगर आपको इंडिविजुअल रिव्यू देखना हो तो देखिए उधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख लीजिएगा, मैंने इसका इंडिविजुअल रिव्यू किया है। ये मॉनिटर है हमारे LG की तरफ से वाला LG GL 850 2K मॉनिटर है। ये देख लीजिए GL 850 2K मॉनिटर, ये इतने पोर्ट्स दिए गए। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ इसका बॉक्स, ला बॉक्स ला इसका, ये देख लीजिए इसका बॉक्स है भाई लोग, ये देखिए, ठीक है। ये मॉनिटर इसमें यूज़ हो रहा है 27GL 850 LG का, 27 इंच का है, IPS पैनल, 144Hz 2K मॉनिटर, और बेस्ट मॉनिटर, मतलब क्या बताऊँ यार इस मॉनिटर पर। देखिए हाइट एडजस्टेबल है, हाइट इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, 27 इंच का है। उसके साथ साथ इसमें कीबोर्ड माउस जो यूज़ हो रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सूफी ये जिप ट्रांसफॉर्मर हटाओ और थोड़ा कीबोर्ड माउस लाओ। सो भाई लोग ये देखिए इसमें यूज़ हो रहा है हमारा लॉजीटेक की तरफ से आने वाला Logitech G502 Hero, ये माउस यूज़ हो रहा है, और मैं आपको उसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये माउस है, मैं 500 बार इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ। इसके साथ साथ इसमें वेट भी मिलते हैं इसके, जो कि रखते हैं ये देखिए, ठीक है, ये रहे इसके वेट। और भाई लोग उसके बाद देखिए इसमें कीबोर्ड यूज हो रहा है, वो है लॉजिटेक का G213 Prodigy, ठीक है, मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, एक नॉर्मल कीबोर्ड है जो कि हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। ये देखिए ये रहा हमारा G213 Prodigy, ये देखिए कीबोर्ड है इसमें यूज हो रहा है जो कि, ठीक है भाई लोग। देखिए ये रहा हमारा कीबोर्ड जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज कर रहे हैं। अभी मैं इसको इसके कनेक्शन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो भाई लोग ये देखिए माउस तो कनेक्ट हो गया हमारा, इसमें देखिए RGB लाइट यहाँ पर आ चुकी है, और उसके अलावा ये रहा कीबोर्ड, इसमें भी आपकी RGB लाइट आ चुकी है लॉजिटेक का लोगो, और बैकलाइट कीबोर्ड है तो बैकलाइट इसमें लाइट आ गई है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। तो भाई लोग पूरा सेटअप देखिए अब यहाँ पर लगा दिया गया, जो जो सामान इसमें जा रहा है भैया बंदूकबाज के बिल्ड में। देखिए माउस कीबोर्ड मॉनिटर A to Z कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए मैंने इसकी कलर साइकिल लगा दी है कि कलर साइकिल चेंज होती रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए सारे कलर्स इसके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक एक पॉइंट पर, देखो ये 3 नीचे लगे हैं फैन, 3 फैन वो लगे हुए हैं, 3 ऊपर लगे हैं फैन, एक को पीछे लगा है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना भाई साहब। और देखो जो कार्ड लगा ना सोटा गेमिंग, इसमें भी देखो फ्रंट में RGB है, इसके टॉप इसके जो बैक प्लेट होती है उस पर RGB है, ये रेडियम लगा हुआ है, और RGB रैम लगी है XPG की स्पेक्ट्रिक्स D60, और RGB स्ट्रिक्स का लोगो में भी देखिए लाइट है, और मतलब फुल गम RGB वाला PC है भाई साहब। 15900X प्रोसेसर लगा है, आप सोच सकते हो कि
15900X के साथ इसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। कोई 3080 कार्ड, कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं लगा है, कार्ड इसमें बहुत बड़ा कार्ड लगा है, काफ़ी हेवी कार्ड है, आज के टाइम में तो बहुत महंगा कार्ड आ रहा है, कोई वही नहीं है, मतलब इसकी कितने का आजकल की डेट में ये कार्ड मिल रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताओ आप लोग कि कैसा लग रहा है ये पीसी।
सो भाई लोग कैसी लगी वीडियो आप लोग बताना, बंदूक बाज गेमिंग यूट्यूब चैनल की वीडियो है, रितेश का ये पीसी है और हम लोगों ने तो देखो अपनी जान में जितना उसका बजट था 3.5 लाख के आसपास उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा किया और सारे कंपोनेंट चूज किए उसी के खुद के हैं ज़्यादा 3 जो हम तो पता है इसमें जो एक्सपीजी की वो आती है स्ट्रीम वो मोड केबल वो भी एड ऑन करने के मूड में थे बट उसने कहा कि भाई को नीड नहीं हो रहा है बाद में करते हैं अभी बाद में कर लेंगे तो भाई ये ऐसा था तो इसलिए ये पीसी ऐसा बन गया ठीक है। और बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए तो क्या करना है आपको सब्सक्राइब कर देना यार बंदूकबाज के पीसी की कसम सब्सक्राइब कर देना यार बहुत मेहनत से पीसी बना है आपको बताऊँ बहुत मेहनत बहुत डेडिकेशन बहुत मेहनत बहुत सर्च करना पड़ा बहुत उस बंदे ने रितेश सबसे पहले थैंक यू करते था कि तुमने इतना मतलब पेशेंस रखा उसने बहुत पेशेंस रखा क्यों क्योंकि उसका जो प्रोसेसर था 5900X और 3080 कार्ड दो चीज़ें ही मिल नहीं रही थी दोनों के लिए वेट करना बहुत वेट किया उसने और तीसरी चीज़ X570F गेमिंग मदरबोर्ड भी इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो रहा था ऑनलाइन मिल रहा था बड़ा महंगा मुझे डायरेक्ट चाहिए था तो बड़ी मुश्किल से उसको अवेलेबल कराने की कोशिश की हम लोगों ने कि वो अवेलेबल हो जाए और तब कराया उसने इतना पेशेंस रखा तो रितेश थम्स अप फॉर योर पेशेंस और रितेश के भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमको भी अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका मन करे भैया ना मन करे तो कोई बात ही नहीं ठीक है। तो ये सारा सिस्टम आज का और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा इसी से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो उधर आई बटन लिंक आ रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पड़ी हैं ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात मैं बताऊँ आपको बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा सपोर्ट दिखाने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नया पीसी बाय करना हो तो देखिए उधर नीचे अंकित नंबर दिया होगा वहां से आप हमको कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको रिस्पांस ना मिले तो आप मिस्टर पीसी वाले के ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए वहां पर डीएम कीजिए विद योर नेम लोकेशन बजट फुल सीपीयू या नॉर्मल या जो है सिर्फ सीपीयू हम फुल पीसी या नॉ सिर्फ सीपीयू और उसके अलावा अपना कॉन्फ़िगरेशन इफ यू डिसाइडेड एनीथिंग एल्स ठीक है। तो ये लिख के आप हमको वहाँ पर मैसेज कीजिए अंकित को मैसेज कीजिए और उन लोगों से मैं एक सिफारिश करना चाहूँगा गुजारिश करना चाहूँगा जो लोग कहते हैं भाई मुझे 2 महीने बाद पीसी लेना है आज हम आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो भाई तो अभी कोई भी प्राइज लेने का कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता प्राइज में हमेशा चेंज होते रहते हैं आईटी में आज प्राइज लोगे ना आप ये प्राइज 2 दिन बाद चेंज हो जाएंगे फिर आप मुझे उस कोटेशन को भेजोगे भाई आपने वो कोटेशन भेजी थी तो उसका प्राइस दे दो तो भाई वो नहीं मिलता है यार आप भी जानते हो स्टॉक मार्केट के जैसा इसका सीन है डेली प्राइस चेंज होते हैं डेली ठीक है। सो आज के लिए इतना ही ऑलवेज मुस्कुराते रहिए खुशी सेफ रहिए ऐसे दोस्ती बनाइए जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में जय जय भारत वंदे मातरम से यू ऑन दी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू कांग्रेचुलेशंस टू रितेश बंदूकबाज गेमिंग ठीक है बाय बाय।